गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अब इस वक्त फुल्ली प्रिपेयर्ड हो चुके होंगे और एग्ज़ाम आने में बस अब कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं। और आज जो मैं अभी ये आपके लेकर आया हूँ, लास्ट वीडियो है हमारी आपके इस पेपर के लिए, और इस वीडियो में मैं आपको ऑल द बेस्ट विश करने आया हूँ। और साथ साथ फ्रेमवर्क चैप्टर से आने वाली थ्योरी कौन सी हो सकती है, होपफुली जो कल आपके एग्जाम में आपको दिख जाए वो चाहिए। मुझे लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, हमने एक थ्योरी प्रेडिक्ट की थी कि भाई ये वाली एग्जाम में कल आ सकती है और वो आई थी। तो मैं इस वक्त भी कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, आईसीए मॉड्यूल से ले लीजिए या फिर हमारी बुक से ले लीजिए, वो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है वहां पर। तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, मैं आपको फ्रेमवर्क के बारे में बताने जा रहा हूँ। फ्रेमवर्क से आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में क्या आ सकता है वो ध्यान देखना। ये बिल्कुल आईसीआई मॉड्यूल की शीट ही है, मैं इसको भी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा सबके साथ, तो प्लीज जाके टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्या क्या चीजें एग्जाम में आ चुकी हैं, कितने कितने मार्क्स में आ चुकी हैं, वो सारी बातें मैं आपको अगर दिखा दूं पहले तो एग्जाम के अंदर ये लीजिए, ये पहली बार जब क्वेश्चन आया इस टॉपिक से तो वो ये था, ब्रीफली एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मई 2018 में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स क्या थे। फिर 2018 में क्या आया, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज न्यूट्रलिटी एंड डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। उसके अलावा फिर एक क्वेश्चन आया किस चीज का, गोइंग कंसर्न को लेकर, जो कि जून 19 में आया था। उसके बाद नवंबर 19 में से इसमें क्वेश्चन नहीं आया था। फिर नवंबर 20 में आया किस चीज के बारे में, कि भाई आपकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वो चीज आपसे पूछी गई। जैन 21 के अंदर कैपिटल मेंटेनेंस का क्वेश्चन आया, जुलाई 21 में फिर से कैपिटल मेंटेनेंस का क्वेश्चन आया, और दिसंबर 21 में दो क्वेश्चन आए। अच्छा हाँ, एक और बता दूं, जुलाई 21 में एक और क्वेश्चन भी आया था जो आपके एएस की एप्लीकेबिलिटी है ना, क्या लिस्ट वन लिस्ट क्या नाम लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री उस तरह से करके, वो क्वेश्चन भी था जो कि इस बार के लिए मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि एग्जाम के अंदर वो आ सकता है। तो आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस को लेकर मैं पहले ही बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, उसको जरूर देखिएगा अच्छे से, वो आपने करना ही करना है। उसके अलावा आपके एग्जाम में इस बार आने के चांसेस ज्यादा किसके हैं, मैंने इस शीट पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया है। तो जब इस शीट को आप डाउनलोड कर लेंगे तो प्लीज इसको भी पढ़ लेना, आपके लिए थ्योरी का काम हो जाएगा कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सो कॉम्पोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि अब तक ये पूछा नहीं गया। आईसीआई ने अब तक जब भी थ्योरी पूछी तो अपने इसी वाली शीट के अंदर से पूछी। तो बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स एंड अदर अकाउंट्स आप अच्छे से जानते हैं, तो ये वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब तक नहीं पूछे गए। सर ये तो 11th क्लास में था, बेटा सारा ही 11th क्लास का यार, थोड़ा बहुत ही अलग है, बाकी जो चीजें 11th क्लास की थी वही एग्जामिनर पूछ रहा है, तो फिर आपको क्या दिक्कत है, आप भी करिए ना। तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ध्यान देना है आपने, मैं बता रहा हूँ जो बता रहा हूँ इनको अच्छे से करके जाना, एग्जाम के अंदर हो सकता है कल आपको पेपर के अंदर ये पॉइंट दिख जाए। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो 5 मार्क्स पक्के हैं और 10 मार्क्स तक एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं पूरे पूरे। अगर मैं आपको बोलूं तो आप समझिए इस बात को कि 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है किस चीज का, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस का, क्योंकि अमेंडेड पार्ट है, अब तक एक बार भी एग्जाम में नहीं आया, तो वो आ सकता है। और दूसरा, जो ये 5 मार्क्स की थ्योरी में अभी मार्क करा रहा हूं इसमें से आ सकता है, तो प्लीज फोकस करना है इस चीज के ऊपर कि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थ्योरी रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो उसके अलावा यहां पर आ जाइएगा, फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन में गोइंग कंसर्न को लेकर एक एग्जाम्पल है बुक के अंदर, आईसीआई मॉड्यूल के अंदर वो आ चुका है। अगर पूछा जाएगा तो इन तीनों चीजों के बारे में पूछा जाएगा जो कि एएस वन में भी कवर होता है, ये चीज आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन के बारे में जो एएस वन में भी कवर हो जाती है। उसके अलावा जून 19 में देखो मैंने कहा ना गोइंग कंसर्न का क्वेश्चन आया था, ये जून 19 में आ चुका है, इसको रिवाइज करना है आपने, क्लास में हमने कर रखा है एक बार। उसके अलावा अक्रूवल बेसिस को लेकर ये जो एग्जाम्पल है ये अब तक नहीं पूछा गया, तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि ये वाला एग्जाम्पल, इसकी तरह का एक एग्जाम्पल वैल्यू बदलकर आपके सामने एग्जाम में आ जाए कल के दिन में। तो एग्जाम्पल नंबर टू ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अक्रूवल बेसिस वाला, यार कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस पे अकाउंट कैसे बनते थे आप अच्छे से जानते हैं। उसके अलावा कंसिस्टेंसी को लेकर कोई एग्जाम्पल नहीं है जो एग्जामिनर पूछेगा। नवंबर 20 में क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछी जा चुकी हैं, और एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मई 2018 में आ चुके हैं एग्जाम के अंदर। उसके अलावा ये पार्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, एग्जाम्पल्स ही आईसीआई ने पूछे हैं, जो जो पॉइंट बच गया है मैं उसी को मार्क करा रहा हूं आपको इंपॉर्टेंट, प्लीज जो इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूं इन्हें अच्छे से कर लेना, कल सुबह के एग्जाम में होपफुली आपके एग्जाम में सेम मिल जाए, और क्या ही चाहिए। मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है,
ये आपके आरटीपी में भी कवर हुआ था मेरे को लगता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, और ये क्वेश्चन आईसीआई मॉड्यूल का ही है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। उसके अलावा एग्जामिनर ने दिसंबर 21 में जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा था। सर अकाउंटिंग इक्वेशन, हाँ 11th क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन आया था, मैंने अपने बच्चों को क्लास में बताया था कि देखो आईसीआई ने बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन पूछा, तो वही वाला क्वेश्चन यहां पर है। उसके अलावा ये बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन था, तो मैं इसको ये नहीं मानता कि ये एग्जाम में आएगा एग्जाम्पल 5, तो इसकी उम्मीद छोड़ दीजिए। दिसंबर 21 में ये थ्योरी, ये मैंने एक दिन पहले दिसंबर 21 के एग्जाम से एक दिन पहले बताई थी कि ये वाली इस बार आएगी, और ये आई थी 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन, सब बच्चों का अच्छा हुआ था, सही हुआ था, होपफुली बाकी सब ने भी किया हो। मैं एग्जाम्पल 6 बहुत ही सिंपल सा है, ये नहीं मानता इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी थियोरटिकल वो पूछ चुके हैं, तो मुझे इसके प्रैक्टिकल आने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, तो जो बताया ऊपर मैंने आपको, आपको वही अच्छे से करना है। और उसके अलावा एग्जाम्पल 8 एक और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये प्रेजेंट वैल्यू को लेकर है तो उसी टॉपिक का, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है इसलिए एग्जाम में आ सकता है। कैपिटल मेंटेनेंस ऑलरेडी 2 बार एग्जाम में आ चुका है, जैन 21 में आ चुका है, और उसके अलावा आपके जुलाई 21 में भी आ चुका है, ये 2011 लिख दिया गलती से, 21 में आ चुका है। तो ये 2 टॉपिक से मेरे ख्याल से क्वेश्चन मुझे मुश्किल लगता है चांस आने के, बाकी शीट के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरा का पूरा। तो प्लीज़ जो 4-5 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं इन 4-5ों को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि कल के एग्जाम में अगर सेम आया और आपने पूरा लिखा तो 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, सो ऑल द वेरी बेस्ट, कल का एग्जाम अच्छे से करके आना है, 15 मिनट को अच्छे से यूज़ करना है, और आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। बस ध्यान रखना पहला 1 घंटा आपने वही क्वेश्चन करने हैं जो आपके बेस्ट हैं, अगर आपने कुछ भी इधर उधर किया तो आपका पेपर खराब हो जाएगा, पेपर छूट जाएगा, वो काम नहीं करने हैं। बड़ा क्वेश्चन नहीं उठाना है, मुश्किल क्वेश्चन पहले नहीं करना है, छोटे क्वेश्चन पहले करने हैं, पहले 15 मिनट में, और उसको पहले मार्क करके रखना ताकि आपका पेपर अच्छा हो। ठीक है बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, जय माता दी। आप सब कल अच्छे अच्छे न्यूज़ मुझे बताएं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ, और कल शाम को हो सका तो आपके साथ बात करने की पूरी कोशिश करेंगे, वरना मंडे या ट्यूजडे में जैसा भी होगा आपके पेपर्स के बाद हम आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय माता दी, जल्दी मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।